भैया पहले तो है माँ बापों की सेवा जी, इससे वो माँ बापों की सेवा से बढ़ गया कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। अरे ये दोनों कांवर पड़ी टोटल ऐसी 8-9 हज़ार, 8-9 हज़ार रुपए की। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, और यदि आपका बजट कम है और कवर लेने के लिए आ रहे हैं तो कलश अपने घर से ही लेके आना। मैं दोस्तों नमस्कार, कावड़ यात्रा 2024 में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और हमारे पीछे बहुत ही दूर की कावड़ है जो काफी दूर जाएगी। आइए इन बोलों से बात। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगे मैया की जय। तो बोले जी अपना परिचय दे दो, क्योंकि बहुत दूर की कावड़ लग रही मुझे आपकी, अपने बारे में बता दो कुछ। आ जाओ बोले आप भी, ये छोटे भोले भी है, कितने भोले साथ में है? 3 भोले। अच्छा 3 ही भोले हैं, तो अपना नाम बता दो सबसे पहले। नाम हर्ष, जिला बुलंदशहर, गांव खंगावली। अच्छा, वो इस भोले का नाम बता दो। इसका नाम मणिकांत है। अच्छा आप और इनका, एक ही जगह के हो? ना भोले, अलग अलग। अलग अलग कहाँ कहाँ के? मैं बुलंदशहर जिले का। और ये भाई मेरठ जिले का है। और ये? ये भाई है मेरा। अच्छा, ये छोटा भाई है आपका? तो ये मेरठ के भोले हैं और ये दो भाई है, ये दोनों बुलंदशहर के हैं। तो कितना लीटर गंगा जल ले रहे भोले, एक बार दिखा दो, कावड़ के दर्शन करा दो। ये भोले की कावड़ है। और दोस्तों 2024 में ढोली का क्रेज चल गया है, क्योंकि 2023 में चला था ये और अब की बार जो है चलता ही जा रहा है। बहुत ही कावड़े ला रहे हैं ये ढोली वाली कावड़, हम तो देसी भाषा में ढोली बोलते हैं ना इसको। हाँ, ये बोले कहाँ से ली थी आपने? ये घर से लाया था। घर से तैयार करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से बोले ने तैयार कर रखी है। इसमें गंगा जल कितने लीटर है बोले? 50 लीटर। एक में 50 लीटर है और इधर भी 50 लीटर है, तो दोनों में कितना हो गया? 100 लीटर हो गया। और डंडों में वजन होगा टोटल 120। अरे भोले इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ भोले इतनी मेहनत कैसे कर रहे हो? सब भैया बाबा की जान है, हमारी कुछ नहीं है। अच्छा, बेल्ट भी लगाते हो? नहीं, बिना बेल्ट के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भोले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा भोला नहीं देखा जो बिना बेल्ट के चल रहा है। क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि हमारी कवर टूट गई, हमारे पैर टूट गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी? क्या करते हो बोले? भैया अभी बाबा की दुआ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या करते हो? किसी भी तरीके की। करते क्या हो? मैं भाई गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर बोला है, देखो आप देख सकते हैं ड्राइवर बोला है और 120 लीटर गंगा जल उठा रहा है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हिम्मत की बात है। तो इससे बोले इससे पहले इसमें उठाने से पहले कोई प्रैक्टिस भी करी आपने? कुछ नहीं, बिना प्रैक्टिस के ला रहे इतना जल, बस बाबा का गुणगान है। अच्छा, तो ऐसे इतनी हिम्मत कैसे आ गई आपके? सब बाबा की देन है। बाबा की तो देन सब पे रहती है, लेकिन आपके ऊपर इतनी कृपा कैसे बरसी भाई? ये तो पहली बार है, हर साल फागन में ठंड में खड़ी गाँव में लाता हूँ अपने गुरुजी के। कौन है आपके गुरुजी? उनका नाम सुरजीत है। अच्छा, सुरजीत आपके गुरुजी है जी, उन्हीं की कृपा से लाए हैं इतना जल। हाँ जी। ये कैसे सोचा कि जो है इतना लीटर गंगा जल लेके चलेंगे? बस चला गया था, मेरी तैयारी तो ज्यादा की थी। इससे भी ज्यादा की थी? हाँ, 51 की तैयारी थी। अच्छा। वो मेरे बंदे पीछे रह गए थे, आए नहीं, उनके दिक्कत हो गई थी। अच्छा, घर पे रह गए थे, मैंने इसलिए अपने उसके अनुसार इच्छा अनुसार इतना ही उठाया था जितना अपने चला। अच्छा, तो बोले जी बड़े हिम्मत की बात है, इसके सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती होगी? नहीं, कुछ नहीं, किसी की कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अकेले लेके चल रहे अकेले। तो दोस्तों देख सकते हैं भोले के अंदर कितनी हिम्मत है, 120 लीटर गंगा जल अकेले ही लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कावड़ के दर्शन करें, और इसमें पवित्र गंगा जल है जो हरिद्वार से लेकर मेरठ तक जाएंगे। और मेरठ कितने किलोमीटर हो गया? लगभग 90 के आसपास हो गया यहाँ से बचरा भाई तुम्हारा, 70 के करीब। 70 किलोमीटर और चलना है? 70 तो मेरठ है और 30 आगे को है। बोले इतना भारी वजन उठा रहे, कहीं शरीर में कोई दिक्कत नहीं आई? कुछ नहीं भैया, अभी तो कुछ नहीं है। लो मैं आपको भोले का शरीर दिखा देता हूँ, ये देखिए, नीचे से ऊपर तक कोई छाला नहीं है, कोई पैर वैर में कहीं भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए बिना प्रैक्टिस के इतने लीटर गंगा जल ला रहे हैं। दोस्तों आप ऐसा मत करना कि कभी आप जो है चल पड़ो और इतना भारी गंगा जल उठा लो, ये तो भोले की कृपा है इनके ऊपर। अच्छा है, चल रहे हैं लेके। और देखो एक छोटा भोला और है, इनको भी माइक दे तो थोड़ा सा इनसे बात। भोले नाम बता दे। मणिकांत। अच्छा बोले आपका कितना लीटर गंगा जल है? 2। कितने साल की उम्र है आपकी? 9। 9 साल की। दिखा दो अपना गंगा जल कहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे भोलों के अंदर भी कितना जज्बा है। ये इनकी छोटी सी कावड़ है, कितने लीटर गंगा जल बता दो? 2 जी। 2 लीटर, 1 लीटर उसमें, 1 लीटर। हाँ जी। बहुत बढ़िया बोले। पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई करते। अच्छा बोले से क्या मांगा है ये जल ले जाकर? क्या क्या मतलब क्या मांगा बोले से? मांगा तो कुछ नहीं है, बस
अपन की लंबी उम्र रहनी चाहिए। अच्छा, अभी से इतनी चिंता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले। अच्छा, हमारी मनोकामना यही है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाए। हाँ, और आप जो है जल्दी से जल्दी पढ़ लिख कर जो है बड़े आदमी बनो और सरकारी नौकरी आपकी लगे। ये देखो, ये बोला तो बिल्कुल एकदम थक सी रहा है। बोले आपका कितना लीटर गंगा जल है? मेरा 81 लीटर गंगा जल है। 81? और ये बोले कि कावड़ है, देखो पीछे 3 कलश है जिसमें। ये बोले कलश कहाँ से लिए, कहाँ से तैयार किया आपने? हरिद्वार से। यही से लिया। तो हरिद्वार में क्या सरकार क्या कर रही है आपकी बार, कुछ व्यवस्था ठीक हो रही है? नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है जी, अभी तो ऐसी है। अच्छा, अभी तो ऐसा ही है, यानी कि 22 तारीख के बाद ही। तो कलश का रेट बता दो आप, कितने के कलश मिले आपको हरिद्वार में, क्या रेट है उनका? ये जो अभी 1800 का जोड़ा बड़ा नीचे वाला। अच्छा, ये उधर कोई जाके बता दो थोड़ा सा, ये जो नीचे का जोड़ा ये तो 1800 का बड़ा। अच्छा, ये 1800 का, और ये 1600 के जोड़े पड़ेगी। ये 1600 के? हाँ, 1600 का ये जोड़ा, 1600 का ये जोड़ा। तो 1800 1600 कितने हो गए? 3400 हो गए। हाँ, तो लगा लो हिसाब जितने बैठे। हाँ हाँ, 3400 टोटल कितने में पड़ गई कावड़? ये दोनों कांवड़ पड़ी टोटल ऐसी 8-9 हज़ार। 8-9 हज़ार रुपये की। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, और यदि आपका बजट कम है और कावड़ लेने के लिए आ रहे हैं तो कलश अपने घर से ही लेके आना, मैं तो यही कहूँगा। थोड़े अपने वहाँ से लाना, कलश यहाँ महंगे मिलते हैं। हाँ, यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं। और 81 लीटर गंगा जल ले रहे हैं। बोले आपकी कुछ मनोकामना है? बोले से मनोकामना कुछ ना, बस कामयाब करते बोला। अच्छा, बोले कामयाब करते, पढ़ाई करते बोले, क्या करते? हाँ जी, पढ़ाई। कौन सी क्लास में? बोले फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर में बोला है, और कामयाब करते बोला, और सरकारी नौकरी दिलवा दे, अच्छे मुकाम पर पहुँचा दे, बस यही कामना है बोले की। और बोले जी अपने बारे में कुछ ऐसा वो बता दीजिए जिससे आने वाले बोले भी या कोई भी देखे आपकी वीडियो, ये मतलब उन्हें भी जो है बोले की भक्ति जागृत हो जाए। भैया पहले तो है माँ बापों की सेवा जी, इससे माँ बापों की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। अरे रही बात कलश की, हाँ भैया आधे बंदे वीडियो देख के जल उठा रहे हैं। हाँ, वीडियो देख के जल न उठा में। हाँ, अपने तकड़ी से तकड़ी प्रैक्टिस करें अगर यहाँ में। जी जी, बहुत बढ़िया बोले आपने, बहुत बढ़िया। अरे बजट को देख के सारा सामान अपने उधर से लावे, इधर बहुत महंगा सामान है। करीबन ज्यादा मैंने तो वो अभी भाई ने इंटरव्यू दिया है, ये 11,000 रुपये का टोटल बैठा है। उधर से लाएगा, उधर से बैठेगा भाई तुम्हारा 5-6 हज़ार रुपये का। हाँ, उधर से आधे का अंतर आ जाएगा। हाँ, आधे का अंतर आ जाएगा। अरे तकड़ी से तकड़ी प्रैक्टिस क्या है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत इतना वजन उठा के बहुत भारी पड़ रहा है। आधे बोले क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, हम उससे ऊपर ला रहे, ऐसा ना करें। हाँ, ऐसा ना करें, बाबा की सब भोलो पे कृपा बनी रहेगा। जी जी, बस यही है। बहुत बढ़िया बोले। अभी बोले जो है देखो, ये होटल है, ये जो है कौन सा है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है बड़ा, और यहाँ पर ठहरे हुए हैं, और अभी मुजफ्फरनगर पहुँच गए हैं, लगभग मुजफ्फरनगर में ही है, अभी एंट्री करने वाले हैं। तो एक बार जयकारा लगा दो बोले जी, जोर से लगाना थोड़ा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महादेव की जय, बोल चंडी देवी की जय, बोल मनसा देवी की जय। एक कुछ एक ही जय बोले, दूसरी माता को छोड़ रहे, ये अच्छी बात नहीं है बोले। तो बोले ना, तो आपकी मनोकामना पूरी करे, हम तो बोले से यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है बोले, जय बोलेगी, जय बोलेगी।